पूरे ब्लॉक प्रमुख को रास्ते में गाड़ी रोक कर मारी गोली। हमलावर हुए मौके से फरार, पैर में गोली लगने से ट्रॉमा सेंटर रेफर। बांदा में भाजपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख को गांव के बाहर अज्ञात लोगों ने जान से मारने का प्रयास किया। फायरिंग में पैर में गोली लगी। गंभीर हालत में परिजनों द्वारा घायल को ट्रॉमा सेंटर बांदा पहुंचाया गया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। हमलावर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। फिलहाल परिजन पुरानी रंजिश के चलते हत्या करने के प्रयास करने की आशंका जता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि घटना पैलानी थाना क्षेत्र के बड़ा गांव की है, जहां पर जसपुरा ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख भाजपा नेता मिश्रीलाल जो देर रात को बांदा से होकर अपने गांव जा रहे थे, उस दौरान बड़ा गांव में पास पूर्व ब्लॉक प्रमुख के गाड़ी के सामने एक गाड़ी लगा दी गई और जैसे ही गाड़ी रुकी तो पास में खड़े एक व्यक्ति द्वारा उस पर बंदूक लगा दी गई। इसी बीच फायरिंग के दौरान गोली मिश्रीलाल के बाएं पैर में लगी। फायरिंग की आवाज सुनकर शोर हुआ, जहां पर ग्रामीण इकट्ठा होना शुरू हो गए। मौके से हमलावर फरार हो गए। जैसे ही परिजनों को सूचना मिली तो घायल को आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां पर घायल का इलाज चल रहा है। फिलहाल हालत गंभीर होने के चलते घायल की बोलने की स्थिति में नहीं है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए पत्नी और भाई ने बताया कि मिश्रीलाल बांदा से अपने घर लौट रहे थे, उस दौरान बड़ा गांव के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारी गई। मिश्रीलाल की हालत अभी भी गंभीर है, जिसके चलते कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। पत्नी और भाई ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करवाने की आशंका जताई है। कुछ परिवारजनों का नाम भी लिया गया है। ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सक एस के मौर्य ने बताया है कि पलानी थाना क्षेत्र के गांव से गनशॉट का मामला है। मिश्रीलाल पुत्र चंपा के बाएं पैर में गोली लगी है, इलाज किया जा रहा है। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।